आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले डॉक्टर भीम्रम्बेडकर विश्वविद्यालय के खनारी कैंपस में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का राष्ट्रीय एडमिशन वर्चुअल मोड पर हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के में वर्चुअल मोड के माध्यम से देश के विभिन्न विद्यालयों के प्रोफेसरों ने भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल मोड पर हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट में वर्चुअल मोड के माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने भाग लिया ये कार्यक्रम जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का वार्षिक अधिवेशन है चालीसवा अधिवेशन है और ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी की इस संस्था का का प्रारंभ आगरा से ही 1981 में हुआ था रसायन विज्ञान की जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें से एक ये है और शीघ्र ही सबसे बड़ी संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगी ये 40वां अधिवेशन जो हो रहा है वो करीमनगर हैदराबाद के निकट आपको मालूम होगा वहाँ की सतवाहना विश्वविद्यालय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होने की बात किया जा रहा है ये कार्यक्रम तेलंगाना विश्वविद्यालय यथावहाना में होना था परंतु कोरोना के लगातार केस में हो रही वृद्धि के चलते इस कार्यक्रम को ऑनलाइन मोड पर किया गया देश से बाहर जाके भी कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है जिसमें यहाँ हिंदुस्तान से ही लोग जाते हैं और हम इस तरह की छह वार्षिक अधिवेशन जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर जाके कर चुके हैं सबसे पहले बैंकॉक में इसका अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था उसके बाद क्ला में किया गया था उसके बाद दुबई में फिर ताशकंद बाली और फिर यूरोप में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का मकसद लोगों में जागरूकता और रिसर्च काम को बढ़ावा देना है जिससे हो रहे शोध कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सके जो ये हमारा फोर्टी एथ कॉन्फ्रेंस सतवाना यूनिवर्सिटी के कोलाबरेशन से हो रही है तेलंगाना से इसमें जैसा कि अभी बताया गया कि करीब ए, 140 इनवाइटेड टॉक्स और प्रेजेंटेशंस मिला के हैं ये चार सेक्शंस में डिवाइडेड है एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और फिजिकल आईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कुलपति डॉक्टर जीसी सक्सेना ने युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऐसे शोध की जरूरत है जो समाज उपयोगी हो शोध में देश की ज्वलंत समस्याओं वायु प्रदूषण जल प्रदूषण जैसे क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता हो उन्होंने युवा वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि नोबल पुरस्कार प्राप्त करने का जज्बा लेकर शोध कार्य को आगे बढ़ाना होगा नहीं कॉन्फ्रेंस हर बार हमारी राष्ट्रीय स्तर पर होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छह कॉन्फ्रेंसिस पूर्व में हो चुकी जैसा हमारे सचिव ने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हर बार हम लोग ऑफलाइन कैंपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं पर कोरोना के कारण पिछले वर्ष इस वर्ष इसको ऑनलाइन आयोजित किया गया है करीम नगर में तेलंगाना में जो सतवाना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये प्रोग्राम होना था पर कोरोना की वजह से इसको हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया है हर साल कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग ऑफलाइन करते हैं फिजिकल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 400 से 500 सौ डेलीगेट्स प्रतिवर्ष आते हैं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी पाँच थीम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री एनेटिकल एंड राष्ट्रीय महामंत्री एवं महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश ठाकरे ने कहा कि युवा वैज्ञानिकों को देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में हो रहे शोध से जोड़ना और उनके उत्कृष्ट शोध कार्यो को दुनिया के सामने लाने का काम संस्था कर रही है सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट